Hi, welcome back to our channel. In today's video, we will be discussing one more important topic, जिसमें छोटे और बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं इसे थोड़ा फन वे में इंट्रोड्यूस करूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए अपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझाना. वैसे ये टॉपिक शायद थर्ड क्लास में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और सेकंड में, बट आप छोटे बच्चे को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे एमी को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है. और कैसे आप बेसिक से स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और कैसे उसके बाद आप करा सकते हैं. सो एक तो मैंने ये मॉडल बनाया है जस्ट फॉर फन की स्टार्टिंग में आप अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है तो आप ऐसे ही तो नहीं दे सकते कि उसे वर्कशीट लेके और बैठ जाएंगे, इतना छोटा बच्चा नहीं करेगा. सो जैसे ये मैंने बनाया एक सर्कल, सर्कल के बाद मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/2, 1/2, फिर ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. और हम इसी की हेल्प से हम समझाएंगे कि क्या ज्यादा होता है, क्या कम होता है, क्या इक्वल होता है, क्या अनइक्वल होता है, और ग्रेटर और लेस मोर सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे 1/1. एमो बेटा से हेलो प्लीज. थैंक यू. सो ये एक सर्कल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. पहले कितना सर्कल था? 1. यहाँ पे इसके कितने पीसेस बन गए? 2. सो हाउ वी विल राइट इट? पहले कितना था? 1. ओ वेरी गुड. 1/2, 1/2 वी विल राइट इट. ओके वेरी गुड. एंड यहाँ पे हाउ वी विल राइट इट? यहाँ पे हमें थ्री पार्ट्स बना दिए. 1/3, 1/3 वेरी गुड. और यहाँ पे हाउ वी विल राइट इट? 1/4, 1/4 वेरी गुड. सो इसका जो ये एक लिटल पीस है ये है इसका फोर्थ. 1, 2, 3, 4 और आप जब इनको ज्वाइन कर देंगे तो कंप्लीट 1 बन जाएगा. ये कॉन्सेप्ट भी अपने बच्चे को समझाना है, पजल के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे इसी सर्कल को आप 4 पीसेस में कट कर दीजिए और फिर बच्चे को बोलिए इन्हें ज्वाइन कीजिए, पूरा 1 बन जाएगा. एक पजल भी हो जाएगी आपके लिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फन भी हो जाएगा आपके बच्चे के लिए. यस, तो फनी वे में करा सकते हैं ना ऐसे बच्चों को. तो आप बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके आप अपनी सीट ले लीजिए प्लीज. सिट योर. थैंक यू सो मच बेटा. थोड़ा सा और आगे आ जाइए. बेस्ट, थैंक यू. सो फ्रैक्शन से पहले आपके बच्चे को आना चाहिए वो है इक्वल और अनइक्वल का कॉन्सेप्ट. क्योंकि फ्रैक्शन में एक्चुअली क्या होता है, हम अनइक्वल करने हैं. अभी कराएगी मम्मा. फ्रैक्शन में हम एक चीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बट वो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. सो जैसे ये है, ये क्या होगा एमो बेटा? ये एक लिटिल पार्ट है और ये बिग पार्ट है. तो ये इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? वेरी. अच्छा ये देखो, जैसे ये मम्मा ने 1/2, 1/2 किया है तो ये इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल. हाँ यहाँ पे उसे अच्छे से समझ आ गया है कि वो इक्वल है. ठीक है, समझ आ गया. हाँ तो इक्वल अनइक्वल आपको बच्चे को कराना है. ओके फिर उसे हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एमो बेटा जल्द से यहाँ पे आओ. ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये एमो के लिए बना दे इसको हम. ठीक है, ये सर्कल हमने एमओ के लिए बना दिया है. इसमें से हम एमओ को एक पीस देंगे. क्या है ये? रोटी है, केक है, ब्रेड है, क्या है ये? क्या है ये? केक है. अब अपने बच्चे को ना खेल खेल में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता है आपके बच्चे को और आपको उसे ये एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है कि फ्रैक्शन क्या होता है. तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी, जैसे डिस्पोजेबल यूज एंड थ्रो वाली जो प्लेट्स आती हैं, ट्रे आती हैं, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ नहीं मिलता है तो अपने घर में रोटी तो होती है, उससे पार्ट्स में डिवाइड करके करा सकते हैं कि ये इक्वल है, अनइक्वल है, इसके 1/2 हो गया, 1/3 हो गया. ये आप पर है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं अपने बच्चे के साथ, कितना फन वे में उसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. सो थोड़ा बहुत आई विल शेयर सम टिप्स और तो आप ऐसे करा सकते हैं. ठीक है मो बेटा. सो हाँ अच्छा क्रायोन्स है. ओके ओके, ये क्रायोन्स कलरिंग के लिए है ना बेटा, यहाँ पे हम कलर करेंगे. सो देखो बेटा, यहाँ पे थ्री पार्ट्स बनाए हमने 1 सर्कल के. इसमें से एमओ को मिला 1. ठीक है, इस केक में से एमओ को 1 मिला. तो इसको हाउ वी विल राइट? 1/3. ठीक है, एमओ को 1 मिला. वेरी गुड, 3 में से एमओ को 1 मिला. ओके 3 भी दे दो हमको. एमओ को 3 भी दे दें? थोड़ी देर बाद देंगे. एमओ को 3 अभी तो नहीं देंगे, थोड़ी देर बाद दे दे. थोड़ी देर बाद. ओके
ठीक है, जैसे ये एक और मैंने मान लीजिए यहाँ पे सर्कल बनाया है, ये मैंने दीवी के लिए बना दिया है, ए फॉर एमओ, डी फॉर दीवी, ओके। ये ठीक दे दो एमओ, ये भी दे दो एमओ को, ठीक है ये भी दे देती हूँ एमओ को, ये लो भाई ये मम्मा का है, मम्मा ने भी दे दिया एमओ को, एमओ को केक बहुत पसंद है। अब एमओ को कितने पीस मिल गए, सो हाउ वी विल राइट इट, टू बाई टू बाई वन नहीं बच्चे, टू बाई थ्री वी विल राइट इट, ओके। एमओ को कितने मिल गए, टू मिल गए, हाउ मेनी टोटल, वन टू थ्री, थ्री में से एमओ को कितने मिल गए, टू, सो हाउ वी विल राइट इट, टू बाई थ्री, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम टोटल और ऊपर लिखेंगे हम कि कितना मिला है, कितना उसका वो पार्ट है, ओके। एमओ को मिल गया भाई टू बाई थ्री, अभी दीवी को कितना मिला, वन, वेरी गुड। सो ये दीवी का हो गया है ग्रीन, ठीक है, सॉरी ब्लू, ब्लू सॉरी बेटा। सो यहीं को समझा देती हूँ मैं दीवी का कॉन्सेप्ट भी। सो एमओ को मिला है, एक मिनट बेटा यहाँ पे मैं राइट कर लू प्लीज, एमओ को मिला है टू बाई थ्री, दीवी को मिला है वन बाई थ्री, ओके। सो अभी आपको हमें ये समझाना है कि किसको ज्यादा मिला है, एमओ को, वेरी गुड, क्योंकि एमओ को मिला है टू बाई थ्री, दो मिले हैं एमओ को, दीवी को मिला है वन को। बच्चे को ना थोड़ा फोर्स के साथ मतलब थोड़ा अच्छे से एक चीज को दो तीन बार अच्छे से बोल के फिर समझाना है, ए फॉर अमायर, अच्छे से नहीं बनाया, ओके ओके, ताकि आपके बच्चे को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए कि हाँ इस चीज पे फोर्स किया जा रहा है तो ये चीज हमें समझाई जा रही है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो इस चीज को बहुत इजीली कैच नहीं कर पाएगा, बट वो कैच कर लेती है, शी इज वेरी ब्लेस्ड। सो एमओ को मिला है टू बाई थ्री, दीवी को मिला है वन बाई थ्री, ठीक है। तो अभी हमें बताना है, वर्बली तो इसने बता दिया है कि एमओ को ज्यादा मिला है क्योंकि एमओ को टू पीसेस मिले हैं, लेकिन अगर आप फोटो वाइज अगर आप देखेंगे, जैसे ये है हमारे पास, मान लीजिए ये दो मिल गए हैं एमओ को, ठीक है, ये इतना एरिया कवर हो जाता है, और ये मिला है दीवी को, तो ये लिटिल सा एरिया है, हाँ बेटा चेयर जैसा बनाया है, ठीक है। इस तरह से आपको समझाना है कि फोटो में जब बच्चा देखेगा कि अच्छा किसको ज्यादा मिला है, इसको तो इतना सारा मिल गया है, इसको तो सिर्फ इतना सारा मिला है ना, तो इस तरह से फिर उसे समझ आएगा कि टू बाई थ्री ग्रेटर होता है कि वन बाई थ्री ग्रेटर होता है। हाँ तो अभी आपको हमें ये बताना है, मैंने ये क्लिप ली है, ये बिल्कुल फ्री हो रखी है, सो ये हमारे काम आएगी ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल के लिए, ओके। सो एमओ बेटा इसको कलर करना आप थोड़ी देर बाद, अभी आप ये बताओ यहाँ पे है टू बाई थ्री, यहाँ पे है वन बाई थ्री, ठीक है, किसको ज्यादा मिला है, एमओ को कि दीवी को, एमओ को ज्यादा मिला है, ये एमओ है। तो आप ये बताओ ये क्रोकोडाइल है हमारा, इसका माउथ किस साइड ओपन करेंगे, क्रोकोडाइल किस साइड ज्यादा खाता है, एमओ को, वेरी गुड। क्रोकोडाइल तो जिस साइड ज्यादा खाने को मिलता है उस साइड माउथ ओपन करता है ऐसे, आ तो इसका हम किस साइड माउथ ओपन करें, एमओ साइड, ये लो। तो ऐसे आपको ग्रेटर लेस और इक्वल समझाना है कि इस तरह से इसकी साइड माउथ ओपन होगा, इस साइड माउथ ओपन होगा, क्या इस साइड अगर ये बड़ा होगा तो इस साइड माउथ ओपन होगा, और इक्वल होंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इस तरह से हम करा सकते हैं। शोना बेटा अपनी सीट पे जाना प्लीज, अभी हमें एक चीज और करनी है, लास्ट, जल्दी से जाओ, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, इधर आप वीडियो में नहीं आ रहे हो बेटा, जल्दी से जाओ। ये एक हमारे पास पेस्ट्री है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप वाली, इस पेस्ट्री के ना हम टू पार्ट्स बना देते हैं, ओके, बाय बाय मम्मी, थैंक यू बेटा, वन इज फॉर एमओ, वन इज फॉर दीवी, ठीक है। ये लो भाई दीवी का ग्रीन, और ये लो भाई एमओ का,
एमओ का रेड कर दे नहीं ब्लू ओके एमओ का ब्लू ठीक है ठीक है आप ब्लू करो वेरी गुड वेरी गुड सो ये कितने पीसेस थे वन था इसको अब हमने कितने पीस में कट कर दिया वेरी गुड सो ये हो गया वन बाय टू एंड वन बाय टू ये मिला एमओ को और ये वन बाय टू मिला दीवी को अब वन के टू बना दिए हमने तो ये इक्वल है कि अनइक्वल है वेरी गुड सो सॉरी सॉरी हाँ अनइक्वल नहीं है सो ये यहाँ से इक्वल का कॉन्सेप्ट भी आप अपने बच्चे को करा सकते हैं कि हाँ वन बाई टू इक्वल हो गया है तो इक्वल के लिए हम कैसे रखेंगे इसको क्लिप को हम ऐसे रखेंगे इक्वल के लिए इस तरह से रखना है इक्वल के लिए ठीक है ऐसे रखेंगे एक मिनट कैसे रखेंगे ऐसे रखेंगे ये हो गया इक्वल आपको पता है बेटा इक्वल ऐसे सो इक्वल लेस देन ग्रेटर देन कौन सा मोर होगा कौन सा लेस होगा इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा इस तरह से आप खेल खेल में अपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से करा सकते हैं उसके बाद आप फिर वर्कशीट ले सकते हैं जब आपके बच्चे को ये समझ आ जाएगा उसके बाद आपके बच्चे को समझ आ जाएगा और वर्कशीट की हेल्प से भी इजिली प्रैक्टिस कर सकता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अवर वीडियो So thank you so much. Hemu beta say bye bye. Bye. नहीं दिख रहे आप वीडियो में वहां पे सीट नाउ से बाय 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 तो जैसे मैंने एमए को खेल खेल में ऐसे कराया है ऐसे ही आप अपने बच्चे को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और ऐसा मॉडल तो आप एक बना ही लीजिए जस्ट फॉर फन